15 जनवरी को सेना दिवस की गौरव बेला पर शरद कल्याणकारी संस्था 1500 के करीब वीर सैनिकों व वीर नारियों को सम्मानित करके सेवा साधना संकल्प में एक नया प्रकल्प जोड़ने जा रही है। जानकारी ये है कि इस वीरता प्रोत्साहन आयोजन में पूर्व सैनिक लीग भी अपना सहयोग देगी। नमस्कार, स्वागत है दर्शकों एच टुडे के विशेष इस अंक में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र राणा जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि सेना दिवस आ रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो सुजानपुर में आयोजित होने वाला है। जानते हैं क्या रहेगी इस कार्यक्रम की रूपरेखा और कौन कौन इस विभूतियाँ जो हैं इसमें सम्मानित की जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि सर्व कल्याणकारी संस्था का एक लंबा इतिहास रहा है और संस्था के माध्यम से संस्था के साथ जुड़े लोगों ने हमेशा इंसानियत की सेवा के लिए काम किया है, मज़लूम की मदद की है, बेसहारों को सहारा देने का काम किया है। और जब किसी की मदद की गई है, किसी को सम्मानित किया गया है, तो कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब या कोई राजनीतिक दल को देखे नहीं किया जाता है। संस्था जो है पिछले 17-18 वर्षों से काम कर रही है और 15 जनवरी को सेना दिवस है और सर्व कल्याणकारी संस्था के सभी ऑफिस बियरर ने ये फैसला लिया है कि 15 जनवरी को सेना दिवस जो है सुजानपुर में मनाया जाए और 15 जनवरी को हम लोग उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी या देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और वो लोग जिन्होंने 62 की लड़ाई में हिस्सा लिया, 65 की लड़ाई में हिस्सा लिया, 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया, ऐसे लोगों को, उन पुराने वीर सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा, वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हमारा जो क्षेत्र है और ख़ास तौर पर जिला हमीरपुर और सुजानपुर का क्षेत्र जो है ये वीर सैनिकों का क्षेत्र है। यहाँ से बहुत सारे लोग सेना में हैं और सेना में देश की सेवा करके आए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और इससे पहले भी संस्था जो है कारगिल में शहीद जो हुए थे उन लोगों को 2002 में सम्मानित किया गया और उसके बाद 2010 में जो है सेना में सेवाएं दे रहे जो नौजवान हैं उनके परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने नौजवान बेटे, किसी ने अपना सुहाग, किसी ने अपना बेटा देश की सेवा के लिए भेजे हैं, उन परिवारों को सम्मानित किया गया। और 2011 में लगभग 3500 पूर्व सैनिकों को सर्व कल्याणकारी सम्मानित करके गौरव हासिल कर चुकी है। और ऐसे अनेकों काम संस्था करती आई है और इस बार जो है 36 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, 6000 लड़कियों की शादियों में योगदान दिया जा चुका है, 7000 से ज़्यादा जो है गरीब परिवारों की आर्थिक मदद की जा चुकी है, 580 महिला मंडलों को सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जिन्होंने समाज में बेहतरीन काम किया, अच्छा काम किया, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, उन लोगों को सम्मानित भी संस्था करके गौरवान्वित महसूस करती है। और आज भी संस्था जो है 15 जनवरी को कार्यक्रम कर रही है और उन लोगों को सम्मानित कर रही है जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जो है सेवा दी है। राणा जी, कार्यक्रम बड़ा है, मुख्य अतिथि के तौर पे क्योंकि अब कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन विभूतियाँ जो हैं वो विशेष तौर पे रहेंगी इस कार्यक्रम में? देखिए, ऐसा है कि इसमें ये सैनिकों का कार्यक्रम है और इसमें हम लोगों ने जो सैनिक रहे हैं, चाहे सेना में ऑफिसर्स रहे हैं, उन लोगों को ही हमने बुलाया है। और सुजानपुर क्षेत्र के, जिला हमीरपुर के जो आर्मी में ऑफिसर्स रहे हैं उन लोगों को हमने बुलाया है। और सैनिकों का कार्यक्रम है इसलिए हम चाहते हैं कि सैनिक ही उसमें ज़्यादा हों तो अच्छा रहेगा। और इस कार्यक्रम में अपने आप को शामिल करके मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिन लोगों ने 62 में लड़ाई लड़ी, आज बात चलती है कि राष्ट्र प्रेम की, तो राष्ट्रवाद जो है मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा राष्ट्रवाद कोई नहीं हो सकता है। जिन हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 1971 में दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान की फ़ौज को भगा भगा के लाहौर से पीछे धकेल दिया, 90,000 सैनिक बंदी कर लिए, और वो सैनिक है, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, उस समय इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और ऐसे लोगों को सम्मानित करके मुझे लग रहा है कि हम अपने आप फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल राणा जी, कहीं ना कहीं बात करें तो आपने ये सही कहा कि अभी भी सैनिकों में एक टीस रहती है, जो पुराने सैनिक हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, कहते हैं कि लड़ाइयाँ हमने भी लड़ी हैं, लेकिन जो सम्मान सरकार की तरफ से या लोगों में आना चाहिए या उनकी जो पहचान होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया था, वो कहीं ना कहीं कम होता था। तो क्या यही सोच जो है वो इस बार इस कार्यक्रम में 62 और 71 की जो बात कर रहे हैं आप, वो यही सोच है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, ज़मीन पे लड़ाइयाँ लड़ी,
बंदूकें उठा उठा के पाकिस्तान के सैनिकों को भगाते रहे, उनको उनके घर में जाके घुस के मारते रहे। और ऐसे लोगों को अगर याद किया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको अछूते रह गए हैं, और उनको सम्मानित करके मुझे लग रहा है कि वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमें भी किसी ने याद किया है। और ऐसे लोगों को सरकारों को भी याद करना चाहिए। संस्था NGO तो अपना प्रयास कर ही रही है, परंतु सरकारें भी करें तो बहुत अच्छा लगेगा। राणा जी, कोई संदेश देना चाहेंगे या हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें इस बात का फ़ख्र है कि जिला हमीरपुर जो है देश की सेवा में सबसे अग्रणी है, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, साधन संपन्न है। और नौजवानों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस परंपरा को बनाए रखें, और सेना में हमारे इस क्षेत्र के नौजवान बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, फिजिकली फिटनेस करते हैं। मैं देखता हूँ, जब भी मैं गांव जाता हूँ तो अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो नौजवान जो है वो फिटनेस दौड़ लगा रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, क्योंकि जो सेना में आदमी जाता है वो देशभक्ति से तो उत्प्रोत होता ही है, और राष्ट्र प्रेम उसमें होता ही है, और देश के लिए वो सेवा करता है, और सेवानिवृत्ति के बाद भी उसमें देश के प्रति और समाज के प्रति एक अच्छी भावना होती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत जो है सैनिकों के प्रति, पूर्व सैनिकों के प्रति जो है वो बड़ा मान सम्मान है, और मैं इनका मान सम्मान करता हूँ। और मेरे क्षेत्र में मेरे जो पूर्व सैनिक लोग भाई हैं और जो सेना में भी हैं वो लोग मेरे से भी बड़ा प्रेम करते हैं, और मैं उसके लिए उनका बहुत धन्यवादी हूँ। और आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र से और भी नौजवान सेना में जाएं और फिजिकली फिटनेस करें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने बातचीत की और लोगों तक पहुँचाई, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र राणा जी, जिन्होंने कहा है कि 15 को सुजानपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पे 1962 और 71 की लड़ाई में जो सैनिकों ने भाग लिया था, जिन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ा था, उनको सम्मानित करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।